कराहा जनपद शिक्षा केंद्र पर रूम टू रीड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। सहायक आयुक्त ने किया अवलोकन। कराहा में बीआरसी भवन पर रूम टू रीड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें यह ट्रेनिंग कार्यक्रम रूम टू रीड संस्था द्वारा भोपाल से बबलू यादव और नीलम और दिल्ली से तनिष्का एवं गीतिका अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कराहा विकासखंड में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की सहरिया समाज की बालिकाओं को अपने जीवन कौशल के बारे में, शालाओं में एवं जीवन में क्या क्या परेशानियां आती है, इन सब विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें विकासखंड के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। रूम टू रीड प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन सहायक आयुक्त LR मीना द्वारा किया गया। कराहा संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम रूम टू रीड संस्था से जुड़े हैं और आज यहाँ हम कराहाल में हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जारी है। हमारा प्रोजेक्ट जो हम इस कराहाल में करने जा रहे हैं, हमारे जिला परिषद के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, DCP साहब के साथ, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे सवरिया बच्चियों के जीवन कौशल विकसित करने पर काम करेगा। हमारा यहाँ पर जीवन कौशल कार्यक्रम के जो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग चल रही है, उसकी मुख्य प्रमुख रूपरेखा में हम 10 जीवन कौशल की बात करते हैं, जिससे हम अपनी सहरिया बालिकाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी आत्म जागरूकता की, उनकी आत्म सक्षमता की और उनकी सोशल अवेयरनेस की, यानी कि सामाजिक जागरूकता की। संस्था है रूम टू रीड। रूम टू रीड के द्वारा सहरिया बच्चियों में जीवन कौशल का विकास कैसे किया जाए, इससे संबंधित प्रशिक्षण चल रहा है मास्टर ट्रेनरों का। अभी हमारे ब्लॉक के 10 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनको 2 मास्टर ट्रेनर दिल्ली से आए हैं और 2 भोपाल से। ये 4 लोग इनको प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर से 2 चरणों में 75-75 के 2 चरण रहेंगे। उनमें हमारे विकासखंड के समस्त मिडिल स्कूल के टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।